हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Redmi 13C Android मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन की स्लो चार्जिंग की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी अगर आपका मोबाइल फ़ोन स्लो चार्ज होता है ना, तो इसके सॉल्यूशन के लिए करना है क्या है? सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन को रिबूट करना है। फोन को रिबूट करने के लिए फ़ोन के साइड वाला पावर बटन आपको उंगली से दबा के रखना है। आपकी स्क्रीन के सामने पेज आएगा, इसमें आपको रिबूट का ऑप्शन मिल जाएगा। रिबूट पर टैप करना है, इससे आपका मोबाइल फ़ोन ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा। फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से ये होता है। हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो प्रॉब्लम जो सॉल्व हो जाती है फोन को रिबूट करने से। ठीक है, अब दोस्तों अगला काम करना क्या है? देखिए दोस्तों, कभी भी आप अपने मोबाइल फोन को चार्ज करते हैं ना, तो यहां पर आपको अपने फोन को चार्ज करने के लिए हमेशा अपने फोन के साथ वाला जो ओरिजिनल चार्जर होता है उसी को आपको यूज करना है। कभी कभार ऐसा होता है ना कि हम किसी भी दूसरे मोबाइल फोन का चार्जर यूज कर लेते हैं अपने फोन को चार्ज करने के लिए, इससे हमारा मोबाइल फोन जो है ना स्लो चार्ज होता है। क्योंकि देखिए, दूसरे फोन का जो चार्जर होता है वो हमारे फोन को अच्छे से सपोर्ट नहीं कर पाता है, इस कारण हमारा फोन स्लो चार्ज होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, अब दोस्तों एक चीज और ध्यान रखनी है, कभी भी आप अपने फोन को चार्जिंग पे लगाते हैं तो फोन को चार्जिंग पे लगा के अपने फोन को इस्तेमाल नहीं करना है, इससे भी मोबाइल फोन स्लो चार्ज होता है। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। अब देखिए अगला काम करना क्या है, ये जो आपके चार्जर का ये जो केबल होता है ना, इसके ये जो केबल होता है बाहर से देखने में ठीक ठाक लगता है। ठीक है, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि इसके अंदर की साइड से है ना फॉल्ट आ जाता है, जिसके कारण भी मोबाइल फोन स्लो चार्ज होता है। तो आपको अपने चार्जर का ये जो केबल होता है इसे आपको एक बार चेंज करके देख लेना, इससे भी स्लो चार्जिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ठीक है ना, अब दोस्तों अगला प्रोसेस आपको करना क्या है? देखिए दोस्तों, आपको अपने मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर यानी कि मोबाइल फोन का सिस्टम आपको एक बार चेक करना है कि वो अपडेट है या नहीं है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है हमारे फोन के सॉफ्टवेयर का अपडेट आता है, हम उसे अपडेट नहीं करते, या फिर कभी फोन में अपडेट आ जाता है हमें पता भी नहीं लगता है। तो मोबाइल फोन का अगर सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होता है तो इससे हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में कुछ कमियां आने लगती है। तो आपके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट है या नहीं आपको चेक कैसे करना है? देखिए सबसे पहले आपको फोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है, इसके बाद फोन का आप सेटिंग पेज ओपन कर लीजिए। सेटिंग पेज में आपको ना ये सबसे ऊपर अबाउट फोन के सामने इस तरीके से अपडेट का बटन दिखाई देता है, तो इसे आपको अपडेट पर टैप करके अपने फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है, जिससे आपके मोबाइल फोन के ना स्लो चार्जिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों अगला काम आपको करना क्या है कि आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन का जो चार्जिंग पोर्ट होता है, जहां पर आप अपने चार्जर का केबल अपने फोन से कनेक्ट करते हैं ना, तो उस चार्जिंग पोर्ट को मोबाइल फोन के चार्जिंग पोर्ट को हल्के हाथों से साफ करना है। होता क्या है कि उसमें थोड़ी बहुत धूल मट्टी चिपक जाती है, जिसके कारण मोबाइल फोन स्लो चार्ज होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि मोबाइल फोन के चार्जिंग पोर्ट को हल्के हाथों से साफ करना है, किसी ब्रश या कॉटन या मतलब जैसे भी करके हल्के हाथों से साफ करना है। ज्यादा ताकत दबाव प्रेशर नहीं लगाना है चार्जिंग पोर्ट में, नहीं तो इससे क्या होगा कि चार्जिंग पोर्ट के अंदर के जो पार्टिकल्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं, चार्जिंग पोर्ट मोबाइल फोन का बिल्कुल ही खराब हो सकता है। तो इसलिए आपको हल्के हाथों का यूज करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर आपको अगला प्रोसेस करना क्या है कि देखिए आपको अपने मोबाइल फोन को ना रीसेट करना है। देखिए मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का आप सेटिंग पेज ओपन करिए। सेटिंग पेज में सबसे ऊपर सर्च सेटिंग पे टैप करना है, यहां पर सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। ठीक है, तो आपको नीचे ना फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन शो होगा, ये देखिए फैक्ट्री रीसेट के ऑप्शन पे टैप करना है। आपका फोन डायरेक्टली आपको फैक्ट्री रीसेट की सेटिंग में लेकर आपको नीचे की साइड ये इरेज ऑल डेटा पे आपको टैप करना है, इससे आपका मोबाइल फोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपके फोन की स्लो चार्जिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन में जितना भी डेटा है सारा डेटा आप किसी दूसरे फोन में ट्रांसफर कर लीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद ही आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट करना है। ठीक है, तो मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आपको यूज करना है, इससे आपके फोन की स्लो चार्जिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस यूज करने बाद भी आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो आपको करना क्या है? देखिए दोस्तों, आपके मोबाइल फोन का जो सर्विस सेंटर होगा ना, अपने फोन के सर्विस सेंटर चले जाना, अपना फोन वहां पे दिखा देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए हो सकता है आपके मोबाइल फोन के हार्डवेयर में कोई दिक्कत होगी जिसके कारण आपका फोन स्लो चार्ज हो रहा है। क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी सॉल्यूशन आपको बताए हैं वो मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर के जरिए बताए हैं, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है,